घंटे के लिए रोजाना रोकूंगा आपको पी चिदम्बरम कोर्ट से बाहर निकलते हुए। विक्रांत, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। पी चिदम्बरम कोर्ट से बाहर निकलते हुए आप कैमरा में सामने देख सकते हैं बिल्कुल, पी चिदम्बरम अपनी जो गाड़ी सीबीआई उनके लिए लेकर के आई थी उस गाड़ी में सवार होते हुए पूरा काफिला पुलिस का मुस्तैद ऑफिसर भागकर अपनी गाड़ी में बैठते हुए और यहां से इन्हें सीधा सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। 4 दिन का रिमांड, 4 दिन की सीबीआई कस्टडी कोर्ट ने दे दी है। एक बड़ी जीत सीबीआई के लिए, एक बड़ी जीत फिलहाल इसको कहा जा सकता है सीबीआई के लिए। 5 दिन की कस्टडी मांगी थी और जिसको नॉन सीरियस कहा था कपिल सिब्बल ने, जब अपनी अपना पक्ष रख रहे थे कोर्ट में तो कपिल सिब्बल ने कहा था सिर्फ 5 दिन की कस्टडी मांगने का मतलब आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी में पी चिदम्बरम देखिए थम्स अप करते हुए अंगूठा दिखाते हुए मीडिया की तरफ फिर से इशारा किया, अभी भी ये दिखाने की कोशिश कि वो कॉन्फिडेंट है पूरे तरीके से, और थम्स अप किया जैसे ही कैमरा के सामने से गाड़ी गुजरी, आते हुए वेव किया था और अब थम्स अप किया। हम कोशिश ये करेंगे कि एक और झलक हम दिखा सकें जब वो यहां से गाड़ियां बाहर निकलेंगी, यहां से सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ जब गाड़ियां जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि इस काफिले के साथ साथ आपको ले चलें। विक्रांत, इस बीच में आप बताइए कि क्या हुआ कोर्ट में, ऐसा पी चिदम्बरम तो अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं लेकिन 4 दिन की कस्टडी बहुत जबरदस्त धक्का है उनके लिए। चिदम्बरम को लेकर के अब सीबीआई मुख्यालय की तरफ जाया जा रहा है। सीबीआई की टीम तेजी से चिदम्बरम को लेकर के निकली और अब यहां से सीधा राउत एवेन्यू कोर्ट से उन्हें सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया है। वहीं पर अब उनसे पूछताछ होगी और उनके परिवार को 26 अगस्त तक रोज उनसे 1 घंटे के लिए मिलने की अनुमति रहेगी। 26 अगस्त की शाम को 4 बजे दोबारा से चिदम्बरम को यहां पर पेश करना होगा और तब सीबीआई ये बताएगी कि उसे अब तक की जाँच में क्या नई जानकारियाँ मिली है और ये भी बताना होगा कि किस किस तरह की नई जानकारी जो आई है उसके आधार पर क्या वो और ज्यादा पुलिस रिमांड चाहती है या नहीं। ये शॉर्ट दिखा रहा हूं तो ये लगातार हम आपको यहाँ से अपडेट दे रहे हैं, सीबीआई की टीम जो यहाँ से लेकर निकली है पी चिदम्बरम को और यहाँ से सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ ये टीम गई है। हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से इस वक्त जो व्यस्तता है यहाँ कोर्ट परिसर के बाहर, आप देखें कि काफ़ी ट्रैफिक है इस वक्त, खासी मशक्कत करनी होगी सीबीआई की टीम को पी चिदम्बरम को मीडिया की नज़र से बचाते हुए सीबीआई हेडक्वार्टर तक ले जाने में, और आते हुए भी जब हमने देखा था तो खासी मशक्कत यहां पर सीबीआई को करनी पड़ी थी। लेकिन एक बड़ी जीत अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो ये कह सकते हैं कि सीबीआई के लिए एक बड़ा दिन है आज, जिस केस में उन पर आरोप लग रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरी जांच हो रही है उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली। 5 दिन की कस्टडी मांगी और 4 दिन की कस्टडी सीबीआई को मिल गई है। इन 4 दिनों में अब तीखे सवाल पी चिदम्बरम से किए जाएंगे, जिन सवालों के जवाब वो टालते रहे हैं, वो दे नहीं रहे थे, अब वो एक तरीके से कस्टडी का उन पर प्रेशर होगा और उनको वो सवालों के जवाब देने के लिए बार बार उनसे वो सवाल पूछे जाएंगे। अगले 4 दिनों तक उनको सामना करना होगा इन सवालों का और सीबीआई जो फिलहाल जो अल्टरनेट रूट है वहाँ से ले जाते हुए पी चिदम्बरम को दूसरी तरफ का जो रास्ता जो सीधे यहाँ से बाराखंबा रोड पर जाता है उस रास्ते को चूज़ किया है सीबीआई ने और वहाँ से लेकर के गए हैं ताकि मीडिया ग्लेयर से, मीडिया की नज़र से उनको एक बार फिर बचाया जा सके। विक्रांत, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो तमाम जो आर्ग्यूमेंट थे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये बड़े लॉयर्स हैं, बड़े नाम हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से फेल हुए,